सुनो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी, सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी, सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। चलो सतत शिक्षा ले, बदले देश के कुछ हालात, उम्र नहीं शिक्षा की, कोई न कोई इसकी जात। सुनो सुनो जी, सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। रोजगार के गुर भी सीखो केंद्र में आकर, आप बनो आत्मनिर्भर, न पसारो किसी के आगे हाथ। सुनो सुनो जी, सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। खेलो कूदो नाचो गाओ चलो हमारे साथ, रहे दुखी परिवार बड़ा क्योंकि नशा बुरी है बात। सुनो सुनो जी, सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी, सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी, सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ, कलम उठाओ हाथ, कलम उठाओ हाथ। लेकिन चाचा आप इतने दिनों से केंद्र पर आए क्यों नहीं? दीदी केवल कुछ काम लग गया। अरे सोम प्रकाश, अरे दीदी आप, जय साक्षर दीदी। जय साक्षर, कहाँ जा रहे थे? दीदी मैं तो आप ही के पास आ रहा था। कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ दीदी, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा एक मिनट जी। ठीक है चाचा, तो अब से रोज आना। हाँ नहीं तो जितना कुछ सीखा है वो सब भूल जाओगे। रोज आओगे ना? ठीक है, केंद्र पर नई नई किताबें भी आई हुई है। अब मैं चलती हूँ। हाँ सोम प्रकाश, क्या बात थी? दीदी मेरे केंद्र पर कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास लगातार आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अच्छा। कभी तो वो लोग शहरों में जाके मजदूरी करते हैं, कभी इधर उधर का काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं, और कभी अगर कोई काम नहीं मिलता है तो बस खाली बैठे रहते। मैं सोच रहा हूँ दीदी कि उन्हें प्रशिक्षण दिला करके कोई काम शुरू करवाया जाए, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो लोग कोई अपना रोजगार शुरू कर पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है सोम प्रकाश कि तुम उन लोगों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो रोजगार के ऐसे बहुत से साधन हैं जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। उन लोगों को अगर कहीं से कुछ मदद मिल जाए तो लोग अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। मदद? किस प्रकार की मदद दीदी? देखो सोम प्रकाश, ऐसी बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो लोगों को काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देती हैं, या फिर उन्हें छोटी छोटी दुकानें, रेड़ियां या साइकिल रिक्शा देती हैं जिससे कि लोग अपना खुद का काम शुरू कर सकें। अच्छा दीदी, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको इस तरह की मदद मिली हो? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें संस्थाओं की मदद मिली है। जैसे ये है कमली, शुरू में ये पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और ना ही इसके घर के हालात अच्छे थे, लेकिन एक संस्था ने इसे ये रेड़ी दी जिस पर आज ये सब्जी बेचने का काम करती है और साथ ही साथ खाली समय में पढ़ाई भी करती है। जैसे हम राशन पानी कहीं लेने जाते
दुकान पे, तो 100 के वो 125 से लगाते पैसे। हम घर पे आके पर्ची बताते कि इतने का सामान है, इतना पैसा दे के आएंगे, तो हम बड़े दुखी रहते। तो हमने पढ़ना लिखना सीखा है तब से, हम पूरा एक एक पैसा का हिसाब लेते देते हैं उनको, नहीं ज़्यादा देते हैं ना लेते हैं। फिर हमने सब्जी के काम कुछ खोल लिया, अपने सब्जी ले आते हैं आराम से, खूब बेच लेते हैं, हिसाब किताब सारा कुछ, बहुत हम आराम से रोटी खा रहे हैं। ये सिद्ध के सिर ने हमें सलाह दी थी कि आप ये हम तुम्हें दिलवा देंगे किराए वाले पे, हम लेते रेड़ी किराए पे लेते। उन्होंने कही आपको हम दिलवा देंगे। मेरे चलो सर दिलवा दो, आप कमाते पैसे बचें और हमें महीना का महीना देते रही हूँ। मैंने सर से पूछा कि अपना काम कैसा करना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो अपना काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हमने कहा उनसे अपने सर से कि हमारे पास पैसा तो इतना है नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा जमा करो। हमने फिर है ना सर ने हमारा एक बैंक खोल दिया, फिर 10-12 हज़ार रुपये हो गए थे। फिर हमने अपने सर से कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, आज 15-1 हज़ार रुपये हैं। हमने हार्डवेयर की दुकान करी अपनी जीने में, जो हमारे मेन रोड पर ही है जीना, और हमारी मार्केट में ही हमारा घर है, क्योंकि वहाँ पर कोई रिटेल की दुकान नहीं है। इसमें हमने वहाँ पर रिटेल का काम करा, आज खूब चलता है। थोड़ा बहुत हम इस पोजीशन में हैं कि हमारा काम अच्छा चलता है। ये सब हमारे सर की बदौलत है। ये तो पहले हमारे पास जो पैसा होता था हम इधर उधर खर्च करते थे, अब नहीं करते। वो मैंने शिक्षा के अंदर पढ़ाई करता था, तो मैंने सर से बोला कि सर मुझे कोई रोज़गार दिलाइए। तो सर ने बोला ठीक है, मैंने कुछ आपको मदद करेंगे, और किस संस्था से मुझे मदद दिलाया और ये ठेली मुझे दिलवाया, और ठेली से मैंने कमा कर अपना उनको पैसा भी अदा करते रहे और अपना काम भी करते रहे अच्छे से। संस्था ने मुझे रिक्शा दिया, मैं चला रहा हूँ रिक्शा का, साथ साथ पैसा भी चुका रहा हूँ और बहुत खुशहाल हुई। पहले कुछ नहीं करते थे, खाली रहते थे घर पे। फिर किसी ने बताया प्रयास के बारे में, सेंटर में तो कढ़ाई सिखाई जाती है, वहाँ पर सिलाई कढ़ाई, हमने वहाँ पर सिलाई सीखी। वही इन्होंने मशीन दी हमें सिलाई करने के लिए, सीख ली तो, और उसके बाद हमने घर पर सिलाई करी। यहीं पर सिलाई भी देते थे, यहाँ से ड्रेस वगैरह बच्चों की सिलती थी ना, वो हम घर पर सिलते थे। अब वो घर पे सिलते हैं कम्युनिटी के बच्चों के, घर पे जो सिलते हैं अच्छी होती है आमदनी। यहाँ की स्थिति को देखते हुए और औरतों की परेशानियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ काम शुरू किया जाए। मैंने 4 साल में इनको कढ़ाई सिलाई कटिंग जो कुछ भी सिखाए, और जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है उनको बुटीक में या किसी फैक्ट्री में काम वगैरह लगाने की कोशिश किए। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है ये लालखेत, और औरतों को आने जाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। इस वजह से औरतों का कहना था कि दीदी अगर यहाँ कुछ काम शुरू किया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने इनकी बात को सुन करके कुछ विचार किया और मुझे लगा कि सचमुच ये बात अच्छा होगा कि यहीं कुछ ग्रुप शुरू किया जाए और साथ में मिलकर काम किया जाए। इसमें औरतों को हमने मीटिंग बुलाया और औरतों से बातचीत की इसके बारे में, तो औरतों ने सहमति ली कि कुछ पैसे जमा करें और अपने पूंजी होने जैसे पैसे जमा करके कुछ काम शुरू किया जाए। हमने ये सोचा है कि हर हफ्ते मीटिंग करेंगे और 5 रुपया सबसे जमा करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और सारे मजदूरी करते हैं, तो एक महीने में वो 20 रुपये भी नहीं दे सकते, 10 रुपये भी बहुत मुश्किल है। तो हमने हर हफ्ते 5 रुपये जमा करने के लिए बात किया है। पैसे जमा करने के बाद ग्रुप के तरफ से बैंक में अकाउंट खुलवाएँ, उसमें हर हफ्ते हम लोग पैसे जमा करें और साथ में कुछ पैसे हो जाएं तो अचार या पापड़ या कुछ और एक्सपोर्ट का काम शुरू किया जाए जो सिलाई का होता है, और इनमें से जो औरतें काम करेंगी उनके लिए उस हिसाब से ही पैसा बांटा जाएगा जिस हिसाब से वो लोग काम कर सकेंगी। अब समझे तुम सोम प्रकाश कि कैसे तुम संस्थाओं की मदद से लोगों की सहायता कर सकते हो। हाँ दीदी, इन सब लोगों का प्रयास तो यही सिद्ध करता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह सोम प्रकाश वाह, इन पंक्तियों को लिखकर तो तुम अपने केंद्र में टांग दो ताकि इन्हें पढ़कर लोगों की हिम्मत बढ़ती रहे। जी दीदी। वैसे सोम प्रकाश तुम एक काम क्यों नहीं करते, लोगों का समूह बनाकर कोई काम क्यों नहीं शुरू करवाते। समूह बनाकर वो कैसे दीदी? आओ मैं बताती हूँ। देखो सोम प्रकाश, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले किया जा सकता है जी, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं
जिन्हें अगर समूह बनाकर किया जाए जी तो काम ज्यादा आसान भी हो जाता है और समय भी कम लगता है। दीदी ये बात कुछ समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। अब तो तुम खुद देख भी लेना और समझ भी लेना, क्योंकि हम उस जगह के पास पहुंच गए हैं जहां पर एक ऐसा ही समूह काम कर रहा है। अच्छा हाँ आओ चले जी। आओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। सबको नमस्ते। सोम प्रकाश ये है वो समूह जो टोकरियां बनाने का काम करता है। जी वाह दीदी ये लोग तो बहुत सुंदर सुंदर टोकरी खिलौने बनाते हैं। दीदी आपने ये समूह बनाया कैसे? पहले बैठो तो बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इन महिलाओं को इकट्ठा किया, साथ ही ये जानने की कोशिश की कि इनकी जरूरतें क्या क्या हैं और ये लोग क्या क्या काम कर सकती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी दिलचस्पी किस काम में है। दिलचस्पी? अरे हाँ भाई दिलचस्पी। अगर किसी की कोई काम करने में दिलचस्पी ही नहीं है तो ना तो वो उस काम को ढंग से सीख सकता है और ना ही कर सकता है। हाँ दीदी ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। तो इस तरह बना हमारा ये समूह। जी अब समूह बना लेने और उसके काम का चुनाव कर लेने के बाद हम लोगों को जरूरी लगा कि हम काम की जिम्मेदारियों को समूह के लोगों में बांटते हैं। मतलब? मतलब मैं समझाती हूँ। महिलाओं का समूह है जिन्होंने रंग बिरंगी टोकरियां बनाने का काम चुना है। देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने इनकी जिम्मेदारियों को कैसे बांटा। टोकरियां तो ये सभी बनाती हैं, लेकिन बाकी ऊपर के जो काम हैं, वो इन सब में बराबर बराबर बांट दिए गए। जैसे ये तीन महिलाएं रेखा गुड्डी और हीरा, इन तीनों को बाजार से सामान खरीद कर लाने का काम मिला है। मैंने इनको ये काम इसलिए दिया है क्योंकि ये मोल भाव बहुत अच्छी तरह करती हैं। शुरू शुरू में मैंने इनको बताया था कि अच्छा और सस्ता सामान कहाँ मिलता है। अब ये इतनी होशियार हो गई हैं कि मुझे बताती हैं, दीदी सस्ता और अच्छा सामान वहां मिलता है। और ये जो पांच महिलाएं हैं इनका काम है टोकरियों को बेचना। ये लोग बनी हुई टोकरियों को हाट बाजारों में ले जाकर, मेलों में घूम घूम कर, सड़क के किनारे लगाकर या फिर रेडियो पर सजाकर बेचती हैं। और हाँ शादी ब्याह और त्योहार के मौकों पर इनकी ये टोकरियां खूब बिकती हैं। और ये जो महिलाएं हैं इनका काम है ये देखना कि टोकरियां कैसी बनी है। जो टोकरियां अच्छी बनी है और बिक्री के लायक है उनको ये अलग कर देती हैं, और जो बिक्री के लायक नहीं है उनको अलग। और ये जो महिला है विमला, इनका काम है समूह में खरीद और बिक्री का हिसाब किताब रखना, यानी कि समूह में कौन सी चीज कितने की खरीदी गई या बेची गई और कमाई कितनी हुई। टोकरियों को बेचकर जो पैसा मिलता है उसमें से पहले लागत को अलग कर लिया जाता है, बाकी बचता है मुनाफा। तो मुनाफा ये सारी महिलाएं आपस में बराबर बराबर बांट लेती है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि समूह बनाकर काम करने के कितने फायदे हैं। कैसा लगा तुम्हें ये तरीका? दीदी अरे अरे बैठ। दीदी समूह बनाने की प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है, इसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ नहीं पड़ता है। हाँ। और काम भी जल्दी होता है और अच्छा होता है। लेकिन दीदी जब कोई समूह अपना काम शुरू करता होगा तो उसके लिए उसे पैसों की भी जरूरत होती होगी, तो वो समूह के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करता है? पैसों की व्यवस्था करने के कई तरीके हैं। पहला तो ये कि जो समूह तुमने बनाया है
उसके सदस्य थोड़ा थोड़ा अपना पैसा लगाकर काम शुरू करते हैं। दूसरा ये कि बैंक से लोन वगैरह लेने में तुम उनकी मदद करो। तीसरा ये कि कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था उनकी मदद कर दे। हाँ दीदी, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं जाकर लोगों को बताऊंगा कि समूह में काम करने से थोड़े पैसे में और कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। सोम प्रकाश, केवल समूह बना देने से तुम्हारा काम खत्म नहीं होता। मुनाफा ज्यादा हो इसके लिए तुम्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दीदी, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? जैसे कि जो काम तुम शुरू करवाने जा रहे हो वो ज्यादा महंगा ना हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस बात पर दो कि काम कम लागत में शुरू हो सके। जैसे कि ये रंग बिरंगी टोकरियां जो ये महिलाएं बना रही हैं, इनकी लागत बहुत कम आती है। इनमें इस्तेमाल होने वाला सामान है 10-15 दिन से पानी में भिगोया हुआ कागज, मुल्तानी मिट्टी, कुछ रंग और सजावट के लिए सलमा, सितारे, मोती और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े। दीदी, एक टोकरी अंदाजन कितने में बिकती होगी? एक टोकरी 10 से 50 रुपए तक बिक जाती है, बशर्ते कि उसे सुंदर रूप दिया गया। अरे वाह, फिर तो दीदी मैं भी लोगों का समूह बनाकर जल्दी से टोकरियां बनवाने का काम शुरू करता हूँ। एक मिनट सोम प्रकाश, जल्दबाजी मत करो। देखो, ये जरूरी नहीं है कि इस समूह की तरह तुम भी जो टोकरियां बनवाओ वो आसानी से बिक जाए। चलो मैं तुम्हें एक प्रेरक से मिलवाती हूँ जिसने समूह बनाकर बेत की टोकरियां बनवाने का काम शुरू किया है। आओ चले। चले। नीमा। अरे दीदी आप। जय साक्षर। जय साक्षर नीमा, इनसे मिलो। ये है सोम प्रकाश, पास ही के सतत शिक्षा केंद्र के प्रेरक हैं। जय साक्षर भैया। जय साक्षर। आओ दीदी बैठो। भैया आओ। अच्छा दीदी, मैं आप लोगों के लिए पानी ले आऊं। दीदी पानी। नीमा, तुमने तो बेत की टोकरियां बनाने का काम शुरू किया था ना? हाँ दीदी। तो फिर ये मोमबत्तियां? आपकी सलाह के अनुसार नहीं चले ना दीदी, इसलिए गलती हो गई। मैं समझी नहीं। दीदी, हमने ये जानकारी लिए बिना कि हमारे आसपास बेत की टोकरियां बिकेंगी या नहीं, बस जल्दबाजी में काम शुरू कर दिया और यहाँ बांस भी बहुत महंगा मिला जिससे लागत बढ़ गई। अब महंगी होने के कारण हमारी टोकरियां किसी ने खरीदी नहीं, हमें काम बंद करना पड़ा। दीदी, आपकी कही हुई बात अब मुझे समझ में आ रही है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे और बिना पूरी जानकारी लिए कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। यही नहीं, हमें इस बात का भी पता कर लेना चाहिए कि आसपास में लोगों को कौन कौन सी चीजें पसंद है और उन चीजों की मांग कितनी है। नहीं तो ये हो सकता है कि हमारी बनाई चीजें कोई खरीदना ही ना चाहे। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काम शुरू करने के बाद थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि काम शुरू करते ही नतीजे निकलने लगेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। दीदी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बैत की टोकरियों के काम में नुकसान उठाने के बाद जब हमने ये मोमबत्तियां बनाने का काम शुरू किया तो दीदी बहुत ही सोच समझ कर किया। हमने सबसे पहले आसपास के लोगों से उनकी जरूरतें पता कर ली और दीदी हमने ये भी पता कर लिया कि मोमबत्ती बनाने के लिए सामान जैसे कि रंग, मोम और साचा आदि यहाँ मिलेगा या नहीं और बनी हुई मोमबत्तियों की बिक्री कैसे की जाएगी। अब दीदी आसपास के सभी गांवों और कस्बों में हमारी बनाई गई मोमबत्तियाँ खूब बिक रही हैं। लेकिन दीदी एक बात नहीं समझ में आई कि शहरों में इन मोमबत्तियों की बिक्रियाँ कैसे की जाए। देखो, शहर बड़ा होता है और वहाँ पर एक नहीं कई तरह की चीजें बेची जा सकती हैं। इसीलिए हमें शुरू से यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सामान को शहर की दुकानों पर, हाट में या फिर स्टॉलों पर या फिर खादी ग्रामोद्योग के केंद्रों पर प्रदर्शन के लिए रख सकें। उससे ज्यादा लोग उसे देख पाएंगे
और जरूरत पड़ने पर खरीद भी पाएंगे। शुरू शुरू में इसमें कुछ दिक्कत आएगी, दुकानदार हमारा सामान बेचते हुए झिझकेंगे, पर धीरे धीरे प्रचार प्रसार करने पर और गुणवत्ता बनाए रखने पर बिक्री होने लगेगी। जी दीदी। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज एक ग्रुप बना रहा है वही चीज कोई दूसरा भी बना रहा हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे आसपास के इलाके में और कौन लोग बना रहे हैं। लेकिन दीदी ये भी तो हो सकता है कि दूसरे की बनाई हुई चीज हमारी चीज से ज्यादा आकर्षक और मजबूत हो और लोग उनकी चीज ज्यादा खरीदें। बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए जरूरी है समूह द्वारा बनाई गई चीजों की क्वालिटी की जांच। क्वालिटी की जांच? हाँ, देखो प्रशिक्षण के समय लोगों को चीज बनाने के साथ साथ क्वालिटी की जांच करना भी सिखाया जाता है। अब जब लोग कोई चीज खरीदेंगे तो वो उसकी गुणवत्ता तो जांचना चाहेंगे ही, वो ये भी जानना चाहेंगे कि वो चीज चलेगी या नहीं। इसीलिए प्रेरक होने के नाते हमें अपने समूह के लोगों को बार बार ये याद दिलाते रहना चाहिए कि वो अपनी चीजों की गुणवत्ता को बनाए रखें। उन्हें ये भी बताओ कि भाई चीजों का आकार एक सा हो, उनके रंग पक्के हो, बनावट में सफाई और नयापन हो। लेकिन दीदी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे काफी महंगा सामान खरीदना पड़ता है। अच्छा दीदी एक बात बताइए कि निर्माण के व्यय को कैसे कम किया जाए? थोक बाजार से सामान खरीदकर, ताकि सामान सस्ता मिल सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हें किस चीज के लिए कितना सामान चाहिए और वो सामान थोक बाजार में कितने का पड़ेगा और खुदरा खरीदकर कितने का मिलेगा, और ये सब पता करके तुम अपने समूह में लोगों को बताओ कि उन्हें सामान कहाँ से खरीदना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। दीदी मैं सोच रहा हूँ कि समूह में काम करने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती होगी, क्योंकि हिसाब किताब रखना, तोल मोल करना, चीजों की क्वालिटी की जांच करना, पढ़ाई लिखाई के बिना तो ये सब काम हो ही नहीं सकता। देखो सोम प्रकाश, अगर तुम्हारे समूह के लोग नव साक्षर या पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम शुरू करने के लिए सभी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि काम के साथ लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते रहे, ताकि समय आने पर वो साक्षर हो जाए और अपने काम को अच्छी तरह समझ कर सके। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। अच्छा नीमा, ये बताओ कि समूह बनाते समय और कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? समूह बनाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो एक विचार के लोगों को इकट्ठा करने में आती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी लोग हर बात पर एकमत हो। अच्छा सोम प्रकाश, एक बात बताओ, मान लो तुमने एक ग्रुप बनाया जो किसी मन मुटाव की वजह से या आपसी विचार के मतभेद की वजह से बिखर गया, तो तुम क्या करोगे? मैं दीदी, जो लोग मेरे साथ होंगे मैं उनकी मदद लूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है, और लोगों से कहूंगा कि वो आपस में अपना मनमुटाव दूर करें और एक होकर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि समूह बनाकर काम करने में ही समझदारी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही करना। हार मानकर बैठ जाना प्रेरक को और भी कमजोर बना देता है, इस बात का ध्यान रखना। जी। और देखो, शुरू शुरू में आमदनी कम होने की वजह से लोग निराश होने लगते हैं, तो तुम लोग उनके भीतर एक आशा बनाए रखना, ठीक है? जी दीदी। चलो चलते हैं। चलिए। अच्छा तो नीमा, हम लोग चलते हैं। बहुत खुशी हुई तुम्हारा काम देखकर, तुम्हारा समूह वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ठीक है, तुम जाकर काम देखो, हम लोग चलते हैं। जय साक्षर। जय साक्षर। जय साक्षर भैया। जय साक्षर नीमा। तो सोम प्रकाश जी, कैसा लगा? दीदी अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि समूह बनाकर काम करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। अच्छा जी, तो जरा बताओ तो। देखिए, सबसे पहले लोग अकेले भी काम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन समूह बनाकर काम करने से काम आसान हो जाता है और मुनाफा भी ज्यादा कमाया जा सकता है। समूह बनाने के लिए ये पता लगाना कि लोगों की दिलचस्पी किस काम में है और कौन सा काम वो आसानी से कर सकते हैं। और दीदी, जो काम वो करने जा रहे हैं
उसका सामान वहाँ आसपास आसानी से उपलब्ध है या नहीं, इस बात का भी पता लगाना। काम की जिम्मेदारियों को बांटना, जो चीज वो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी की जांच करना, और ये पता लगा कर रखना कि कच्चा माल कहाँ से खरीदा जाए और बना हुआ सामान कहाँ पर बेचा जाए। हाँ ठीक है दीदी, बिल्कुल ठीक। अब अगर तुमने इन सभी बातों का ध्यान रखा ना जी, तो लोग वाकई अपना काम सही ढंग से शुरू कर पाएंगे जी। आओ चलते हैं। चलिए सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना कलम उठाओ हाथ। सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना कलम उठाओ हाथ। चलो सतत शिक्षा ले बदले देश के कुछ हालात, उम्र नहीं शिक्षा की कोई न कोई इसकी जात। सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना कलम उठाओ हाथ। रोजगार के गुर भी सीखो केंद्र में आकर आप, बनो आत्मनिर्भर न पसारो